धर्म की पत्नी श्रद्धा का बेटा है शुभ, जो भगवान में श्रद्धा रखेंगे उनका शुभ ही शुभ होगा। मैत्री का बेटा है प्रसन्न, जो सबसे मित्रता का भाव रखेंगे वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। दया के बेटे का नाम है अभय, जो सबके प्रति दया करता है उसे किसी बात का भय कभी भी होने वाला नहीं है। आजकल के कई संत बॉडीगार्ड रखते हैं, बंदूक रखवाते हैं, पता नहीं उनको किस बात का डर है जिनको उनको बॉडीगार्ड की और बंदूक की और अग्नियास्त्र की जरूरत पड़ रही है, भगवान जाने क्या लीला है। धर्म की चौथी पत्नी है शांति, और शांति का बेटा है सुख। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? बोले जिसके मन में शांति है। सिर में दर्द हो रहा हो, 2 लाख रुपए की गड्डी लेकर के खोपड़ी पर रेगड़ी जाए तो सिर दर्द ठीक नहीं होगा, और जहाँ शांति है वहाँ जा करके बैठ जाएं तो बहुत जल्दी हमें आराम महसूस होगा। गले में सोने की चैन है पर जी में चैन नहीं है। सुख कहाँ है? बोले शांति में सुख है। तुष्टि का बेटा है मोद, जो हर प्रकार से संतुष्ट है, वो मुदित रहता है, मुस्कुराता ही रहता है, उसे कहना नहीं पड़ता, कीप स्माइलिंग, उसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्न रहती है, प्रसन्नता रहती है। क्यों? बोले हमें भगवान ने जो दिया है उसमें प्रसन्न है। किस्मत का क्या गिला करें परवरदगार से, बुरे यदि लाख से तो अच्छे हजार से। धर्म की पत्नी क्रिया का बेटा है योग, अच्छी क्रिया करने वाला योग बनता है। सत्क्रियो नर, गीता में भगवान ने कहा है योगी कौन है? बोले सत्क्रिया करने वाला पुरुष ही योगी है। हमें अच्छी क्रिया करनी चाहिए। उन्नति का बेटा है दर्प, जब उन्नति होती है तो दर्प प्रोटोकॉल आ जाता है, रहन सहन बोल चाल सब में फर्क आ जाता है, प्राकृतिक है। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताए मद नाही। बुद्धि के बेटे का नाम है अर्थ, बुद्धि है तो हम अर्थ कमा लेंगे और बुद्धि नहीं है तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। बुद्धि है, पिताजी ने कुछ नहीं दिया तो हमने खूब बढ़ा दिया, और बुद्धि नहीं है, पिताजी कितना भी दे जाएं तो भी हम उसको चौका लगा करके रख देंगे। मेधा के बेटे का नाम है स्मरण, याददाश्त बढ़ती है धर्म से जुड़ने से। ऋषियों को कितना कितना याद रहता था, संतों को भी बहुत कुछ याद रहता है, हमेशा धर्म में लगे रहते हैं ना, स्मरण शक्ति बढ़िया काम करती है। तितिक्षा का बेटा है कल्याण, ना काऊ सो दोस्ती ना काऊ सो बैर, क्या परिणाम? बोले कल्याण, कहीं कोई हमारा बुरा नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे इनका कल्याण हो। लज्जा के बेटे का नाम है विनय, जो लज्जाशील होते हैं वो झुक करके चलते हैं, विनयशीलता उनमें रहती है। और मूर्ति के यहाँ भगवान ने अवतार लिया नर नारायण, बोलो नर नारायण भगवान की जय। धर्म का परिवार सुनाया गया, श्री पराशर ऋषि मैत्रेय ऋषि से कहने लगे अब मैं तुम्हें अधर्म का परिवार सुनाता हूँ। मृषा अधर्मस्य भार्य आसीत् दुखम मायाम च साहसम, दुखोत्तरास्मता हेते सर्वे चाधर्म लक्षणा, नैषाम पुत्रोस्तु वै भार्या ते सर्वे ऊर्ध्वरेतस, रौद्राणेतानि रूपाणि विष्णुर्मुनिनवरात्मज, नित्य प्रलय हेतुत्वं जगत्तोस्तत् प्रयान्त वै। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ, मृषा कहा गया है, मृषा अधर्मस्य भार्या आसीत्। जहाँ झूठ आ जाती है वहाँ पर श्रद्धा नहीं रहेगी, मित्रता तो टिकेगी कहाँ, ना दया ना पुष्टि ना तुष्टि ना क्रिया ना उन्नति, सब कुछ चौपट हो जाएगा। झूठ से बचना चाहिए, एक बार झूठ बोलने पर 100 बार झूठ बोलनी पड़ती है फिर भी वो झूठ झूठ ही रहती है। और झूठ के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है रोग और एक का नाम है शोक। ये हम अपना हाथ झूठा किया और सबसे लगा दिया, आजकल हाथ धोने की फैशन ही नहीं है, बस ऐसे किया हो गया काम, और उन्हीं हाथों को मर्जियाँ यहाँ लगा देते हैं। कोरोना में हाथ धोना सिखाया जा रहा है, सैनिटाइजिंग सिखाई जा रही है, सोशल डिस्टेंस सिखाया जा रहा है, और
बोले हाथ को कम से कम 30 सेकंड तक रिगड़ो, ये नहीं कि गुड़गड़ गया झटा धो लिया। अब हाथ धोना भी बतलाया जा रहा है। जो कुछ हमारे धर्मशास्त्रों में था और है वो हमें निरोगी रखने के लिए है, हमको बलवान बनाने के लिए है, लेकिन हम लोगों ने गीता को माना पर गीता की नहीं मानी। हमने श्री कृष्ण को माना पर हमने श्री कृष्ण की नहीं मानी। हमने श्री राम को माना पर हमने राम की नहीं मानी। उसका परिणाम क्या आ, हर 2-4 साल में एक नित्य नई बीमारी आ जाती है। कभी डेंगू आ गई, कभी हाइपरटेंशन आ गया, कभी कोई और, कभी कोई नए नए नाम रख करके बीमारियां आती रहती हैं। हमें पवित्रता से रहना चाहिए। रोग के बाद जो दूसरा बेटा है अधर्म का, उसका नाम है शोक। रोगों ने घेर लिया, क्या हुआ? बोले गए ऊपर, अब तो खाली बैठ करके शोक मनाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राकृतिक, आत्यंतिक, नित्य और नैमित्तिक, चार प्रकार की प्रलय बतलाई गई। रोज मर रहे हैं, शमशान पे जाकर के बैठ जाओ, एक चिता बुझती नहीं है, दूसरी आ जाती है। ये नित्य प्रलय है। बाढ़, भूकंप, तूफान आ जाना, इनमें हजारों लोग मर जाते हैं, ये नैमित्तिक प्रलय है। और महाप्रलय में सब कुछ भगवान नारायण के चरणों में समाहित हो जाता है। बहुत बढ़िया कथा सुनाई जा रही है पराशर ऋषि के द्वारा। श्री मैत्रेय ऋषि के लिए प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ध्रुव के बाद ध्रुव के वंश में कौन हुआ, कृपा करके हमें बतलाएं। ध्रुव चरित्र के बाद होना चाहिए प्रियव्रत का उपाख्यान, उत्तानपाद के भाई का, लेकिन हर पुराण में अलग अलग क्रम रहता है। मैत्रेय ऋषि का प्रश्न है कि मैं वेन का चरित्र सुनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। वेन का शरीर बतलाया जा रहा है कि श्री ध्रुव के वंश में सुनीता नाम की पत्नी और उत्कल नाम के उनके वंशज हुए। सुनीता के गर्भ से राजा वेन ने जन्म लिया। और वेन का काम क्या है? देवासुराणाम आचार्य श्लोक मत्रोशना जगौ अहो तपस्य तपसो वीरमहोस तपस फलम। वेन ने सिंहासन पर बैठ करके अपने माता पिता को ही कारागार में डाल दिया और अपने राज्य में घोषणा कर दी। जप तप व्रत संयम नियम ध्यान धारणा पाठ पूजन कथा कीर्तन दान पुण्य सब बंद कर दिया जाए। मैं राजा हूँ, सारे देवता राजा में निवास करते हैं, तुम लोग मेरी ही पूजा करो। भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, यज्ञ पुरुष मैं ही हूं। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम कथंचन भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्नो हैयम यज्ञपति प्रभो। मैं ही यज्ञ पुरुष हूं, मेरे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है, इसलिए कभी कोई यज्ञ दान और हवन आदि ना करें। ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित होकर के पहले तो उसकी खूब प्रशंसा करी और फिर उसको समझाने का प्रयास किया। भो भो राजन श्रणध्वम तुम चद बदाम महीपते राज्य देहोपकाराय प्रजा नाम च हितम परम। सुनिए, आपका मन धर्म में नहीं लगता है तो आप मत करिए, लेकिन प्रजा को तो कम से कम धर्म में लगा रहने दीजिए। डांट दिया ऋषियों के लिए। एते चान्ये च ये देवा शापानुग्रह कारण ब्रह्मा जनार्दन शंभुर इंद्रो वायुर यमो रवि हुतभुग वरुणो धाता पूषा भूमिर निशा करो कोयम हरिते ख्यातो यो वो यज्ञेश्वर हो मत। हे ये हरि कौन है? ये हरि कहनाने वाला होता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण धाता पूषा पृथ्वी और चंद्रमा, इनके अतिरिक्त और जो भी देवता शाप देने में वरदान देने में सामर्थ्यवान हैं वो सब राजा के अंदर निवास करते हैं और मैं तुम्हारा राजा हूँ इसलिए मेरी पूजा करो। स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना होता है, इसी प्रकार प्रजा का धर्म अपने राजा की सेवा करना होता है।
सारे देवताओं में से मन हटा लो और मेरी ही पूजा करो। दैहन्नुजाम महाराज मा धर्मो या तो संशयम हविषाम परमाणो यम यतेद अखिलम जगत। महाराज आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए सारा जगत ये हवि यज्ञ का ही परिणाम है। हन्यताम हन्यताम पाप इत्तुचस्ते परस्परम। तुम लोगों को मैं बार बार कैसे समझाऊं कि मैं ही राजा हूं, राजा में ही सारे देवता निवास करते हैं। जब सारे देवता मुझ में निवास करते हैं तो मेरी ही पूजा करो। बार बार और देवताओं का नाम क्यों ले रहे हो, क्यों बार बार यज्ञ कथा कीर्तन स्मरण दान पुण्य इन सबकी बातें क्यों करते हो। ऋषियों ने देखा ये बात मानने वाला नहीं है। अंजलि में जल ले करके मंत्र पढ़ा और मारा छींटा गत प्राण कर दिया। विष्णु पुराण में तो लिख रहा है सरकंडे और कुशा लेकर के ऋषियों ने उन पर प्रहार किया और ऋषियों के द्वारा वो मारा गया। एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से पूछा क्या हमको पाप नहीं लगेगा इसको मारने का। बोले ना, जिस व्यक्ति से एक या दो लोग तो सुखी हों और हजारों की संख्या में लोग दुखी हों, ऐसे व्यक्ति को यदि मार दिया जाए ये तो समाज के प्रति एक बढ़िया काम होता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है अपराधियों का। बोले ये तो समाज में रहेंगे तो पाप फैलाएंगे, भय फैलाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, मार दिया जाए। राजा को मार दिया गया, वेन को मार दिया गया। इतने में ऋषियों की निगाह बाहर जंगल की ओर पड़ी, बड़ी जोर का धुआं उठ रहा था, धूल का गुबार उठ रहा था। ऋषियों ने पूछा ये कैसा गुबार उठ रहा है। बोले राजा नहीं है ना तो प्रजा उच्छृंखल हो गई है, निरंकुश हो गई है, लुटेरे लूटने के लिए निकल पड़े हैं। ये लुटेरों की भागदौड़ की घोड़ों के द्वारा उड़ने वाली धूल है। नीति का श्लोक है अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहुनायका। जिस राज्य का कोई नायक नहीं रहता वो राज्य नष्ट हो जाता है, अथवा जिसके बहुत सारे नायक एक दूसरे की टांग खींचने में, सरकार गिराने में, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे रहते हैं, उस राष्ट्र का भी बड़ा नुकसान होता है। बेन की जंघा का मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। ऋषियों ने कहा निशीदा निशीदा बैठो, हम तुम्हें जो ज्ञान देते हैं उसे श्रवण करो। विंध्याचल में तुम्हारा निवास होगा, भगवान राम पधारेंगे, तुम उनकी सेवा करना। भगवान राम की सेवा करने से तुम्हारी जाति का कल्याण हो जाएगा। निषाद ऋषियों को प्रणाम करके चला गया। जब जब हो ये धर्म की हानि बाणे असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर विबुध शरीरा हरई कृपा निध सज्जन पीरा। प्रार्थना करी भगवान से हे प्रभु आप पधारिए, आपके बिना धर्म की स्थापना करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बेन के ऊर्ध शरीर का मंथन किया। भगवान नारायण अपने अंश से प्रथु के रूप में प्रकट हो गए। बोलो प्रथु नारायण भगवान की जय। प्रथुर का अवतार हो गया, नारायण आए हैं तो लक्ष्मी जी कहाँ रह जाएंगी। लक्ष्मी जी अर्ची नाम की महारानी बनकर के पधारी। अर्ची नाम की महारानी और महाराज प्रथु को सिंहासन पर बिठा करके तिलक कर दिया गया, मुकुट पहना दिया गया, राज्याभिषेक कराया। और जब राज्याभिषेक हो गया, प्रथु राजा बन गए तो बहुत बढ़िया काम किया। सो विशक्तो महातेजा विधिर्वत धर्म को विदयी पित्रा पराजिता तस्य बजास्ते नानुरंजिता। सारी प्रजा को महाराज प्रथु ने अपने सामने उपस्थित रहने के लिए कहा। राजा का कर्तव्य है जैसे एक पिता अपनी संतान का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार राजा को प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। जैसे पिता चाहता है कि मेरे चार बेटे हैं, छह बेटे हैं, सबके सब उन्नति करें, इसी प्रकार राजा भी चाहता है कि मेरी प्रजा में जितने लोग क्यों ना हो सबके सब उन्नति करने चाहिए। और
प्रजा का कर्तव्य है कि वो अपने राजा को विष्णु का अंश, भगवान नारायण का अंश समझ करके उसका सम्मान करे। प्रोक्तौतदा मुनिवर स्थाभु सूत मागदौ स्तूयता मेषनपति पतुर्वेण्यम प्रतापवान। सूत और मागद नाम के दो बंदीजन रचे गए और सूत मागद बंदीजनों ने क्या किया, सारी प्रजा से कहा, बोले हमारे महाराज धर्म प्रिय हैं, अब हम हमारे महाराज की प्रतिज्ञा बतलाते हैं आपको। हे प्रजाजनो, जो सनातन धर्म का पालन करेगा वह हमारे महाराज को प्राणों के समान प्यारा रहेगा। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य दयावान प्रिय भाषक मायान मान्यता यत्ज्वा ब्रह्मण्य साधु सम्मत सम शत्रौ च मित्रे च व्यवहारस्ततो नृप सूते नोक्तान गुणा नित्तम सतदा मागदेन च। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले को क्षमा नहीं करी जाएगी। घर घर पुराण कथा होने लगी, दान पुण्य जप तप व्रत संयम नियम कथा कीर्तन सब कुछ होने लगा। जहाँ धर्म का संचालन होने लगता है वहाँ सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की। एक बार कुछ लोगों ने शिकायत करी, बोले महाराज पृथ्वी में हम बीज बोते हैं लेकिन पृथ्वी से हमको फसल प्राप्त नहीं होती। अराज के निपश्रेष्ठ धरित्रा सकल औषधि ग्रस्ता तस्थे अमयांति प्रजा सर्वा प्रजेश्वर। हे प्रभु, पृथ्वी से हमें जो औषधि प्राप्त होती थी वो अब हमें नहीं हो रही है। पृथ्वी का ऐसा दुस्साहस, धनुष्मान लेकर के रथ में बैठ करके पृथ्वी को दंड देने के लिए चले। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके प्रार्थना करने लगी। ततस्तम प्राह वसुधा प्रथम पृथुपराक्रमम प्रवेप माना तदबाण परित्राण परायण। पृथ्वी ने कहा, महाराज हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं देख पड़ता है जो मुझे मारने के लिए आप ऐसे उतारू हो रहे हो। प्रथु ने कहा, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। एक अस्मिन यत्र निधनम प्राप्यते दुष्ट कारिणी बहुनाम भवति क्षेमम तस्य पुण्यप्रदो वध। पृथ्वी ने कहा, महाराज ठहरिए, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा। प्रथु महाराज ने कहा, अरे वसुदे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण कर लूंगा। श्री पराशर जी ने कहा, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा, उपायत समारब्धा सर्वे सिद्ध्यंतरक्रमा तस्माद वायुपायम ते कुरुषम यदि शशी। हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करना। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं प्रदान कर सकती हूँ। युक्त पात्र युक्त बछड़ा बना करके स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और श्री प्रथु महाराज ने गाय का दूध काढ़ करके सारे दोषों को फेंक दिया और गुणों को ग्रहण कर लिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। बोलो प्रथु नारायण भगवान की। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गया, प्रथु ने अपने पुत्र को भेजा। प्रथु का पुत्र घोड़ा जीत करके लाया, नाम विजिताश्व पड़ गया, लेकिन इंद्र का आसन नहीं लिया, अपने राज्य को ही पाकर के संतुष्ट हैं। बेटे को राजा बनाकर वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन कर रहे हैं और केवल भगवान की कथा और भगवान की सेवा में मन है। घनघोर तपस्या करी भगवान नारायण प्रकट हो गए। वरदान मांगो, इन्होंने वरदान मांगा। आपकी कथा सुनने के लिए
मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। कथा सुनने में रुचि रखना बहुत बड़ी बात है। कोई किसके बारे में जब भी सुनना चाहेगा जिससे प्रेम करता होगा, इधर उधर की कोई बात करें, भाई हम जिन्हें जानते नहीं उनके बारे में क्यों चर्चा करते हो, जाओ यहाँ से। भगवान को हम जानते हैं और भगवान को हम जानना चाहते हैं, इसलिए उनकी हम कथा सुनते हैं। हर कथा में कुछ ना कुछ नया मिलता है। 10,000 कान की ताकत से पृथु भगवान नारायण की कथा सुनते थे। या इदम जन्म वैन्यस्य पृथो संगीत ये नर तस्य दुष्कतम किंचित फलदायी प्रजायते दुस्सप्नो पशुमम निर्णाम सर्वताम एतदुत्तम पृथोर्जन्म प्रभावश्य करोति सततम नृणाम। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्न को सर्वदा शांत कर देता है। बोलो पृथु नारायण भगवान की। पृथु चरित्र में भगवान ने भूमि को शुद्ध किया, भूमि को पृथु ने शुद्ध किया, इसलिए भूमि का नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथु के द्वारा शुद्ध करी गई है इसलिए उसको पृथ्वी कहा गया। पृथु भगवान की कथा सुनाने के बाद श्री पाराशर ऋषि ने कहा, बोले अब मैं तुम्हें प्राचीन वरही राजा की कथा सुनाता हूँ। राजा प्राचीन वरही ने किसी से पूछा कि पुनर्जन्म ना हो, दोबारा जन्म लेकर के ना आना पड़े, कोई उपाय बताओ। किसने कह दिया, जानवरों को मार मार करके बलि चढ़ाओ, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुत बड़ा हवन कुंड बना लिया, राजा है जो चाहे सो कर सकता है। बहुत सारे जानवरों को मंगा दिया और काट काट करके स्वाहा स्वाहा यज्ञ करने लगा। आकाश मार्ग से श्री नारद जी जा रहे थे, नारद जी नीचे उतरे। ये क्या कर रहे हो राजा? महाराज मैं चाहता हूँ मेरा दोबारा जन्म ना हो, इसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। ठहरो। भोवो प्रजापते राजन पशुन पश्यतो याध्वरे। अंजलि में जल लेकर के मंत्र पढ़ा और आकाश में छींटा मारा। बोले राजा जरा आकाश की तरफ देखो, क्या दिखाई दे रहा है? जो प्राचीन वरही ने देखा, बहुत सारे जानवर उसकी तरफ क्रोध करते हुए आते दिखाई दिए। डर गया एकदम से, महाराज मैं तो चाह रहा था उद्धार और मैंने ले लिया उधार, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? श्री नारद जी ने कहा, देखो ग्रंथ पंथ सब जगत के बात कहते हैं दोए, सुख दीने सुख होए गो दुख दीने दुख होए। किसी को मार करके हम सुखी होना चाहें बेकार की बात है, कभी भी नहीं हो सकते। यदि हम चाहते हैं कि सब सुखी रहें और हम भी सुखी रहें तो हमको सबके साथ पारदर्शी व्यवहार करना चाहिए। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ये मेरा है ये तेरा है ये भाव है बुरा, ये मेरा है तू सबको अपना मान ले मानव बने खरा, तू सबको अपना तू मन से द्वैत निकाल दे बस हो गया भजन, तू मन से आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन।
जंगल नदी पहाड़ में तो ढूंढता जिसे जंगल वो हर दम तेरे साथ है देखा नहीं उसे वो हर अपने को खुद पहचान ले बस हो गया भजन अपने को आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन आदत मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन मन की तरंगे बोलो पुरुषोत्तम भगवान की श्री विष्णु भगवान की जय। महाराज मेरा कल्याण कैसा होगा मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। नारद जी ने कहा हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं उसे ध्यान से सुनना जान जाओगे कि ये मानव जीवन कितना उपयोगी है कितना महत्वपूर्ण है। एक आदमी भीख मांग रहा था स्वामी विवेकानंद वहाँ से निकले अरे कुछ तो हमें दे करके जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम अपने आप में बड़े कीमती हो तुम्हें भीख मांगना ठीक नहीं लगता है। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। अच्छा सुनो हमारे एक जानकार व्यक्ति है उसके एक आँख नहीं है यदि तुम अपनी आँख दे दो तो 20,000 रुपया तुमको बदले में मिल जाएंगे। नहीं नहीं मैं काणा हो जाऊँगा। अच्छा 2 उंगली काट करके दे दो 50,000 तुमको मिल जाएंगे। नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। 1 हाथ काट करके दे दो 1,00,000 रुपया तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा। अच्छा 1 किडनी निकाल करके दे दो 5,00,000 तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। लाखों रुपए के अंग हमारे शरीर में लगे हुए हैं अगर हम बाजार से इनके लिए अरेंज करें ना तो मालूम पड़ जाएगा कितनी मेहनत कितनी व्यवस्था। और अभी हमने सुना कि 50,00,000 रुपए किडनी के ट्रांसप्लांट में लगते हैं। भगवान ने हमको बहुत भंडार दे करके भेजा है ऐसा मानव शरीर प्राप्त करके हमें इसको व्यथा नहीं गंवाना चाहिए। नारद जी कथा सुना रहे हैं प्राचीन वर्षी राजा को। 2 मित्र हैं एक है ज्ञात और दूसरा है विज्ञात। ज्ञात साधारण है और विज्ञात सर्व सामर्थ्यवान है। ज्ञात ने विज्ञात से कहा हमें रहने के लिए स्थान बतलाओ। जल में रहने वाले थल में रहने वाले आकाश में रहने वाले 83,99,999 प्रकार के स्थान बतलाए किसी में कोई आसक्ति नहीं हुई। 1 नगर दिखाया 2 खम्भों के ऊपर बसा हुआ नगर है 5 मंजिल का नगर है और इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में 5 दरवाजे पूर्व की ओर हैं। इन 5 दरवाजों में 1 मुख्य द्वार है जिससे नगर में केवल प्रवेश किया जाता है। इस दरवाजे पर मोतियों की झालर टंगी रहती हैं। फाटक लगे हुए हैं फाटकों पर कलर किया जाता है बड़ा सजाया जाता है। इन पर बंधनवार भी लगी हुई हैं। लोग तरह तरह की बंधनवार टांग करके मुख्य द्वार को सजाते हैं। इन दरवाजों के ऊपर 2 दरवाजे हैं जिन पर फाटक नहीं है 24 घंटे आवागमन चालू रहता है और उनके ऊपर 2 दरवाजे हैं जिन पर फाटक लगे हैं जो दिन में खुल जाते हैं और रात में बंद कर दिए जाते हैं। इनसे सीधी सड़क रूपनगर की ओर जाती है। 1 दरवाजा दक्षिण की ओर 1 दरवाजा उत्तर की ओर। उत्तर से घुसो दक्षिण निकल जाओ और दक्षिण से घुसो उत्तर में निकल जाओ। 2 दरवाजे नीचे की मंजिल में हैं। 1 से नगर का सारा गंदा जल निकाल दिया जाता है और 1 से नगर की सारी गंदगी दूर कर दी जाती है। नगर के बीचों बीच में तालाब है। सारे नगर की सिंचाई इसी तालाब से होती है। तालाब को दोनों टाइम भरना पड़ता है। सवेरे भरो सुबह शाम को खाली और शाम को भरो सवेरे खाली। सारे नगर की सिंचाई इसी से होती है। नगर की बनावट देख करके जैसे ही ज्ञात ने प्रवेश करना चाहा 2 द्वारपाल मिल गए और कहा हमारे जीवन भर हमारा कहना मानो तो हम तुम्हें अंदर जाने देंगे और नहीं तो नहीं जाने देंगे।
रहने की अनुमति कौन देगा? बोले रहने की अनुमति पांचवी मंजिल पर रानी रहती है, वही देगी। ज्ञात ने रानी से कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। रानी ने कहा रहने की अनुमति जब मिलेगी पहला वचन दो, मुझसे विवाह करना पड़ेगा। मैं हंसूँ तो हंसोगे, चलूँ तो चलोगे, रोऊँ तो रोओगे, बैठूँ तो बैठोगे, सोऊँ तो सोओगे। वचन दे दिया, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। दूसरा वचन, हमारी 10 दासियां हैं, इनका मनोरंजन करना पड़ेगा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। रानी का नाम पुरंजनी, इसका नाम पुरंजन पड़ गया। जैसे जैसे कुचित धावत धावत्याम जलबंता मन जलपति, कुचित रुदती रुदत्याम हसंत्याम हसती कुचित। रानी हंसती तो ये हंसता, रानी चलती तो ये चलता, एकदम हैंडबैग हस्बैंड बन गया। जैसे वो गए वैसे ही करने लगा, 10 दासियों का मनोरंजन करने लगा। राजन बड़े ध्यान से सुनना, एक कन्या थी जिसका नाम है, वो अपने दरवाजे पर सजदा करके बैठ जाती है, जो भी आता है उससे कहती है मुझसे विवाह करोगे? कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं है। एक दिन चंडवेक नाम का गंधर्व आया, दोनों का मिलना हो गया। कन्या ने कहा विवाह करोगे? बोले बिल्कुल कर लेंगे। ठहरो, खाते कमाते क्या हो? बोले चिंता मत करो, 365 गंधर्व, 365 गांधर्वी और 12 मंत्री और 7 सेनापति हैं, बड़ी फौज है, हमें भी भूखा नहीं रखेगा। ठीक है जी, चलो विवाह कर लेते हैं। नहीं नहीं ठहरो, दहेज कितना लाओगी पहले ये बताओ। चिंता मत करो, दहेज में हमारा एक भाई आएगा और एक हमारी बहन आएगी, और हमारे पास 2 बम के गोले हैं, जहाँ मार देते हैं वहीं नाश हो जाता है। दोनों का विवाह हो गया और इन लोगों ने विवाह करके उस पुरंजन के नगर को लूटना चालू कर दिया। रोज कुछ ना कुछ उसमें से लूट करके लाने लगे। एक गोला मार दिया जाए, बोले हाँ मार दिया जाए। नगर की जो दीवार थी, बड़े अकड़ के चलते थे, वो एकदम नगर की दीवार गिरा करके रख दी। अब फिर दूसरा गोला मारा जाए, बोले हाँ दूसरा गोला मार दिया जाए। नगर के मेन गेट पर गोले का प्रहार किया, मोतियों की झालर टूट टूट के गिर पड़ी, फाटक अंदर घुस गए, दीवारों में दरार पड़ गई, सब कुछ बदल करके रख दिया। अब आक्रमण और तेज हो गया, 10 दासियां नष्ट होने लगी। एक दिन आक्रमण हुआ रानी पर, रानी को विचलित देख करके ये पुरंजन रोने लगा। रानी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले पति मरता है तो पत्नी सती होती है, और अगर आप मर गई तो मैं सता हो जाऊंगा, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। इतना रोया कि रोते रोते मर गया। अंते मति सगति, मरते समय मन स्त्री में था। अगले जन्म में ये एक राजा की बेटी बना, हाथी पर बैठ करके सैर सपाटा करने के लिए ये कन्या जा रही थी। आकाश में हंस दिखाई दिए, महावत से कहा महावत देखो कितने बढ़िया हंस हैं। महावत देखने लगा, हाथी ने पलटी मारी और दोनों को कुचल करके मार दिया। अंते मति सगति, मरते समय मन हंस में था, अगले जन्म में ये भी हंस बना। कीचड़ में पड़ा है, परेशान हो रहा है, तभी एक दूसरा हंस आया ज्ञान देने के लिए और कहने लगा भाई तुम कौन हो? अरे मैं हंस हूँ। नहीं नहीं मैं तुम्हें स्मरण शक्ति प्रदान करता हूँ, याद करो इससे पहले कौन थे? इससे पहले मैं एक राजा की बेटी था। नहीं नहीं और उससे पहले मैं ज्ञात था, मैं पुरंजन था। पुरंजन से पहले? बोले मैं ज्ञात था। कोई तुम्हारा मित्र था? बोले हाँ मेरा मित्र था विज्ञात। दूसरे हंस ने कहा वो मैं ही हूँ, मेरा कहना था कि जहाँ जाओ मुझे याद रखना, मुझे भूलना नहीं, और तुम मुझे ही भूल गए, इसलिए तुमको इतना भटकना पड़ा है। हंसेन हंस प्रतिबोधित, हंस ने हंस को ज्ञान दिया और उड़ा करके मानसरोवर ले गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा हमारी कथा पूरी हो गई, हम जा रहे हैं। राजा ने चरण पकड़ ली, बोले महाराज इस कथा का अर्थ क्या है, कृपा करके ये श्रवण कराइए। आत्मा है ज्ञात और परमात्मा है विज्ञात।
आत्मा ने परमात्मा से कहा कि हमें रहने के लिए कोई श्रेष्ठ शरीर बतलाया जाए। परमात्मा ने आत्मा को रहने के लिए बहुत सारे शरीर दिखलाए, चींटी से लेकर के हाथी तक थल में रहने वाले, और छोटी मछली से लेकर के व्हेल मछली तक जल में रहने वाले, पतंगे से लेकर के गरुड़ तक आकाश में उड़ने वाले, 83,99,999 प्रकार के शरीर दिखलाए, कोई पसंद नहीं आए। एक नगर जो दिखा वो है हमारा और आपका शरीर, जैसे मानव शरीर कहते हैं, ये दो खम्भों के ऊपर बसा हुआ नगर है, ये 5 मंजिल वाला नगर है। पहली मंजिल टकना, दूसरी घुटना, तीसरी कमर, चौथी कंधा और 5वीं मंजिल है ये माथा। इसमें 9 दरवाजे हैं, जिसमें 5 दरवाजे पूर्व की ओर हैं। इनमें एक जो मुख्य द्वार है वो है हमारा मुख, जिससे केवल नगर में प्रवेश किया जाता है। आपातकाल में कभी कभी खोल दिया जाता है, क्या हुआ, बोले उल्टी हो गई, रबड़ी और रायता बहुत ज़्यादा खा लिया था, चलो कोई बात नहीं, अब चैन पड़ जाएगा, उल्टी हो गई इसका मतलब सब उल्टा हो जाएगा। ये मुख्य द्वार है, इस पर मोतियों की झालर बांधी जाती है, जो दंतावली है, दांत हैं हमारे, वो उनको मोती से उपमा दी जाती है, बोले मोती जैसे साफ होने चाहिए। फाटक लगे हैं वो हैं हमारे होठ, और उन पर कलर किया जाता है, तो माताएं कई तरह की लिपस्टिक वगैरह से इनको सजाती हैं। और बंधनवार टांगने का अभिप्राय है मूछ रखना, पुरुष लोग मूछे रख करके इसको सजाते हैं। इनके ऊपर 2 दरवाजे हैं, वो हैं नासिका के छिद्र, इन पर फाटक लगे हुए नहीं हैं, इनसे श्वास हमेशा आवागमन 24 घंटे चालू रहता है। उनके ऊपर 2 दरवाजे हैं, वो हैं हमारी आँखें, दिन में खुल जाती हैं और रात में बंद हो जाती हैं। इनसे सीधी सड़क रूपनगर की ओर जाती है, आँखें हमेशा सुंदरता देखना पसंद करती हैं। ये नैना दो लाल जी मांगत नाही सीख, जहाँ जहाँ देखें रूप रस तहाँ तहाँ मांगें भीख। एक दरवाजा उत्तर की ओर, एक दरवाजा दक्षिण की ओर हमारे कान हैं, इधर से सुना इधर से निकल गया। कथा में क्या सुन के आए, बोले बहुत कुछ सुना पर टिकता नहीं है, एक तरफ सुनते हैं एक तरफ निकल जाता है। मूत्रेंद्री और मलेंद्री 2 दरवाजे हैं नगर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए। नगर के बीचों बीच में तालाब है, वो है पेट महाराज। सुबह भरो शाम को खाली, और शाम को भरो सुबह खाली, हुई फजर और चूल्हे पे नजर, आज क्या बनेगा आज क्या होगा। पूरे शरीर की सिंचाई इसी तालाब से होती है, क्यों क्या बात है, कैसे चेहरा लटक रहा है, बोले आज करवा चौथ है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, शकल देख के मालूम पड़ जाए कौन सी तिथि है। नगर की बनावट को देख करके आत्मा ने जैसे ही प्रवेश करना चाह, अहंकार और मन 2 पहरे वाले मिल गए। जिंदगी भर हमारा कहना मानो तो अंदर जाने देंगे, जो हमारा मन कहता है हम वही करते हैं। अहंकार हमें रोक लेता है, तुम पहले मत झुकना, तुम पहले जय श्री कृष्णा मत करना, उनको पहले करने देना, ये बहुत गड़बड़ कराते हैं। नगर में रहने की अनुमति कौन देगा, बोले 5वीं मंजिल पर रानी रहती है, रानी का नाम है बुद्धि। आत्मा ने बुद्धि से कहा कि मैं इस नगर में रहना चाहता हूँ, 2 काम करने पड़ेंगे, पहले हमसे विवाह करना पड़ेगा। बुद्धि कहती है सो जाओ, तो हम सो जाते हैं, रो तो रोते हैं, चलो तो चलते हैं, जैसा बुद्धि कहती है करते हैं। दूसरा नियम है, बोले 10 दासियों का मनोरंजन करना पड़ेगा। वो 10 दासियां कौन है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आंखें कहती हैं पिक्चर घुमा दिखा करके लाओ, तो चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े। कान कहते हैं बढ़िया गाना सुना करके लाओ, तो बड़ा कलेक्शन रखते हैं। त्वचा कहती है बढ़िया बढ़िया कपड़े, तो नरम से नरम गरम से गरम इकट्ठा करते हैं। रसना कहती है बढ़िया बढ़िया भोजन करा करके लाओ, तो कितने भी दूर क्यों ना जाना पड़े। कहाँ जा रहे हो, बोले टेस्ट चेंज करने के लिए जा रहे हैं। राजा हमने बताई थी एक कन्या है, वो कन्या कौन है, काल कन्या जरा साक्षात, वो है बुढ़ापा वृद्धा अवस्था, उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता है। फिर कौन मिल गया उसे, बोले चंडवेग नाम का गंधर्व, इसे हम यूनिट ऑफ टाइम समय कह सकते हैं, वर्ष कह सकते हैं।
कन्या ने पूछा आपके पास क्या है, वर्ष ने कहा 365 गंधर्व, 365 गांधर्व भी माने दिन और रात, 12 महीने और 7 दिवस। कन्या ने कहा विवाह के लिए तैयार हैं। समय ने कहा तुम्हारे पास दहेज क्या है, बोले एक भाई और एक बहन, बुढ़ापे के भाई का नाम है रोग और बहन का नाम है मृत्यु। जब बुढ़ापा आएगा तो रोग आएंगे ही आएंगे, और जब रोग घेर लेंगे तो मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा। और सुनिए, दो बम के गोले हैं, दोनों का हो गया विवाह और इसने मानव शरीर को लूटना शुरू कर दिया। एक गोला मारे, मारा गोला, बड़े अकड़ के चला करते थे, काल का गोला पड़ता है तो शरीर झुक जाता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। दूसरा गोला मारा, सामने का चौकटा बिगाड़ के रख दिया, डांट टूट के बाहर आ गए, गाल भीतर घुस गए, होठ बाहर आ गए। अब अगर पोता कहता है दादी राम राम करो तो लाम लाम निकलता है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। आक्रमण और बढ़ने लगा, इंद्रियों पर आक्रमण हो गया, अब हाथों से काम नहीं होता है, पैरों से चला नहीं जाता है, कान से सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई नहीं देता है। काल का आक्रमण ऐसा है कि आदमी एक दिन सिर पकड़ता है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, हे भगवान अब उठा लो तो अच्छा है। पत्नी का विरह, आत्मा ने देखा अगर बुद्धि ही चली गई तो हम कैसे रह पाएंगे, रोते रोते शरीर छोड़ दिया। हाथी पर बैठ करके राजा की कन्या बन करके जा रहे हैं माने अभिमान पर बैठ करके जा रहे हैं। हंस दिखाई देना माने संत दिखाई देना, जब कभी संत दिखाई दें तो सत्संग करना चाहिए। संत लोग जैसे हम लोग अलमारी को जमा करके बढ़िया कर देते हैं ना, कोई महीना में, कोई दो महीना में, कोई चार महीना में अपनी कपाट को जमाता रहता है, इसी प्रकार संतों के साथ सत्संग करने से ये दिमाग की जो कपाट है ना ये व्यवस्थित तो हो जाती है। इसमें क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या नया है, क्या पुराना है, क्या काम का है, क्या दूसरे को देना है, सब बढ़िया से व्यवस्थित तो हो जाता है। हंसे न हंस प्रतिबोधित, हंस ने हंस को ज्ञान दिया और सीधा अपने धाम में ले गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राचीन व्रीही का चरित्र सुनाया गया, तदुपरांत प्रचेताओं के बारे में प्रश्न किया गया। बोले महाराज प्रचेताओं ने भगवान को कैसे पाया, दक्ष के वंश में जन्म लेने वाले इनकी संख्या 10,000 बतलाई गई है, और श्री नारद जी को गुरु मान करके ये प्रचेता लोग समुद्र में जा करके भगवान नारायण को पाने के लिए भगवान का भजन करने लगे। संख्या कितनी है, 10,000। कंठ पर्यंत, वक्षस्थल पर्यंत जल में खड़े होकर के भगवान विष्णु का आराधन कर रहे हैं। नतास्म सर्ववचसाम प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तम तमम शेषस्य जगत परमं प्रभुं ज्योतिराजमनोरुपभ्य मणवनन्तम अभारवत योनिभूतमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च। जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण हैं, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप हैं, उन काल स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अनाकाश मसंस्पर्श गंधमम रसम चयत चक्षु श्रोतमचल वाक्पाणी पमानसम। जो अवकाश स्पर्श गंधर्व और रस से रहित तथा आँख कान विहीन अचल जीवा हाथ और मन से रहित हैं, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य हैं तथा कारणहीन हैं, जिनमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण ये सब नहीं हैं, ऐसे सामर्थ्यवान भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। भजन किया जा रहा है विष्णु को पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ पधारे। प्रचेताओं ने कहा कि हम तो भजन कर रहे हैं नारायण का, आप क्यों आ गए महाराज। श्री भोलेनाथ ने कहा, बोले भगवान का भजन करने वाला मुझे प्राणों के समान प्यारा लगता है, मैं उसकी सहायता करने के लिए आता हूँ।
श्रीमद् भागवत में तो रुद्र गीत गा करके बतलाया गया है, और यहाँ आशीर्वाद दे करके भगवान भोलेनाथ चले गए हैं। 10,000 प्रचेताओं ने भगवान की भक्ति करके भगवान के दर्शन प्राप्त करे और कहा हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां हमेशा आप में ही लगी रहें, ऐसा हम आपसे वरदान चाहते हैं। परम पुरुष परमात्मा श्री विष्णु ने प्रचेताओं की सभी कामना पूरी करी। बोलो विष्णु भगवान की। सारे वृक्षों की एक कन्या है जिसका नाम है प्रमलोचा। प्रमलोचा के पूर्व जन्म के बारे में बतलाया गया है कि यह स्वर्ग की अप्सरा थी। एक कंडू नाम के ऋषि थे जिनका भजन बहुत बढ़ गया था, देवताओं को लगा कहीं ये स्वर्ग का स्थान ना ले लें। प्रमलोचा नाम की अप्सरा को ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा गया। प्रमलोचा ने जो अपने रूप का सौंदर्य बिखेरा, सफलता मिल गई, ऋषि तपस्या भूल गए और प्रमलोचा से कहने लगे कि आप हमारे साथ रहो। एक पर्वत की गुफा में 100 वर्ष तक कंडू ऋषि प्रमलोचा के साथ विहार करते रहे। प्रमलोचा ने कहा मैं स्वर्ग से आई हूँ और मुझे स्वर्ग जाना है। बोले अभी तो आई थी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बोले नहीं नहीं 100 वर्ष बीत गए, नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि आप अभी आई हैं, थोड़े दिन और रुक जाएं। 100 वर्ष के लिए फिर रोक लिया, फिर 100 वर्ष के रोक लिया। जब जाने लगी तो ऋषि को क्रोध आया, तब उसने प्रमलोचा ने कहा कि मुझे 780 वर्ष आपके साथ रहते हो गए हैं, मैं इतने समय के लिए ही स्वर्ग से आ सकती हूँ। जाने लगी तो श्राप दे दिया, तुम 10-10 पत्नियों की पत्नी बनोगी, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर एक साधारण कन्या के रूप में होगा, वृक्षों की कन्या के रूप में इसका अगला जन्म हुआ और प्रचेताओं ने अगले जन्म में इसका नाम मारीशा रखा गया और प्रचेताओं के साथ इनका विवाह कराया गया। सभी को प्रचेताओं ने मारीशा के साथ विवाह करके या गौरवम भयम प्रेमम सद्भावम पूर्व नायके न मुंचत्यंत सत्ता भी सागे या दक्षिण बुधही। प्रचेताओं ने सबको भगवान का भजन करना सिखाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज हम जानना चाहते हैं दक्ष के द्वारा सृष्टि कैसे रची गई। कभी कहा जाता है दक्ष के द्वारा 24 कन्याएं रची गईं, कभी कहा जाता है 16 कन्याएं रची गईं, कभी कहा जाता है 60 कन्याएं रची गईं। आखिर में दक्ष के द्वारा क्या रचा गया, आप कृपा करके बतलाएं। जब दक्ष ब्रह्मा के पुत्र उत्पन्न हुए तब उनके द्वारा एक बार 10,000 पुत्र रचे गए और उनसे कहा गया कि पहले भजन करो, तपस्या करो और फिर सृष्टि रचो। 10,000 दक्ष पुत्र एक साथ सृष्टि रचने के लिए चले। नारद जी ने देखा इतने लोग एक साथ सृष्टि रचेंगे, धरती पे स्थान भी होगा या नहीं होगा? आप जानकर के नारद जी रास्ते में आ गए और दक्ष पुत्रों का रास्ता रोक लिया। हे हर्यश्वा महावीर्या प्रजायूयम करिष्यत ईदशो दृश्यते यत्नो भवताम सूयतामिदम। दक्ष पुत्रो आज हम तुमसे कुछ पहेलियां पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज। तथैकं पुरुषं राष्ट्रं बिलं च दृष्ट निर्गमम् बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांश पुंशलिं पतिम्। एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। नारद बाबा हम नहीं जानते। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, एक ऐसी स्त्री है जिसको नित्य नया पति चाहिए और एक ऐसा बिल है जिसमें घुसने का रास्ता है लेकिन निकलने का नहीं है। नारद जी आप ही बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। भैया ये जो मानव शरीर है ना, ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है। कौन? आत्मा। आत्मा यदि निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व तो नहीं है। प्राणों के निकलते ही कहते हैं जल्दी पहुंचाओ, बच्चे डरने लग जाएंगे, जल्दी इनका क्रियाकर्म करो।
एक ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती है, उसका नाम है भगवान की माया, जिसका पार किसी ने नहीं पाया। एक ऐसी स्त्री जिसको नित नया पति चाहिए, वो है मनुष्य की बुद्धि। नित नए विचार इसमें आते रहते हैं, एक विचार गया और एक विचार आया, एक गया और एक आया। एक ऐसा बिल जिसमें घुसने का रास्ता है, निकलने का नहीं है, वो है गृहस्थ। दूलो फूलो सो फिरे आज हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाह। एक सेठ जी थे, उनका नौकर था और नौकर के बराबर का ही सेठ जी का बेटा था। सेठ जी ने बड़े धूमधाम से अपने बेटे का विवाह किया और सेठ जी के बेटे का विवाह देख करके नौकर के मन में आई कि हम भी विवाह करेंगे। सेठ जी, कई साल हो गए आपके यहाँ नौकरी करते, हमें हमारी तनख्वाह दे दो, थोड़ी या सारी, बोले सबरी दे दो। क्या करेगा, गांव जाऊंगा और गांव जा करके विवाह करूंगा, थोड़े दिन रह करके घर बसा करके फिर मैं आ जाऊंगा आपके यहाँ, आपको छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी ने पैसे दे दिए, बड़े यत्न से बांध लिए। पैदल का जमाना था, पैदल पैदल जा रहा है, रास्ते पर वही चिंतन है, उस रिश्तेदार को बुलाना है, उसको नहीं बुलाना है, कार्ड छपवाने हैं, फलाना हलवाई करना है, फलाना बैंड करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, चिंतन करते करते जा रहा था। रास्ते में कुआं पड़ा और कुएं के ऊपर आधा पत्थर ढका हुआ है, बहुत बड़े पत्थर से आधा कुआं ढका हुआ है। सो गया, थोड़ा आराम कर लें फिर चलेंगे आगे। अब सपने में दिखाई दिया कि विवाह हो गया है और एक बेटा भी हो गया है और बच्चे ने शुशु कर लिए है और पत्नी कह रही है, सुनो जी थोड़ा खिसक जाओ, गद्दा गीला हो गया है। वो थोड़ा खिसका, सपने में बड़ा आनंद आ रहा है। अब दूसरा बच्चा हो गया है, दूसरे बच्चे ने भी शुशु कर ली है, गद्दा गीला हो गया है। पत्नी ने कहा थोड़ा और खिसक जाओ, जैसे ही और खिसका, धम्म से कुआं में गिर पड़ा, हाथ पैर टूट गए, बचाओ बचाओ, जैसे तैसे बाहर निकाला और लौट करके वो सीधा सेठ जी के पास आ गया। क्यों रे, तू तो विवाह करने गया था, इतनी जल्दी कैसे लौट आया? बोले सपने में विवाह किया तो हाथ पैर टूट गए, सच्चे में करता तो पता नहीं और जाने क्या क्या होता। ऐसा समझाया नारद जी ने उन दक्ष पुत्रों को, देखो भाई जब तक दुनिया नहीं देख लो तब तक गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आखिर में ये जो पृथ्वी है ना, ये गोल है और ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उत्तरी ध्रुव कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, थोड़ा ये तो पता कर लो, विवाह तो कभी भी कर लेना। 10,000 पुत्र नारद जी को प्रणाम करके चल पड़े, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, आज तक लौट करके नहीं आए। दक्ष को मालूम पड़ा, दक्ष ने 1,000 पुत्र और रच दिए। जब वो लोग भी निकले तपस्या करने के लिए, श्री नारद जी ने उनको भी ब्रह्मवेत्ता बना दिया, उनको भी ऐसा ज्ञान दिया कि वो भी भजन पाठ पूजा कथा कीर्तन जब तब व्रत में लग गए। दक्ष को मालूम पड़ा कि नारद ने मेरे अन्य पुत्रों को भी बाबा जी बना दिया है। दक्ष ने कहा अब मैं पुत्र नहीं रचूंगा, अब मैं 60 कन्याओं को रचूंगा। 60 कन्याएं रची गईं, 10 धर्म को विवाह दी गईं, 13 कश्यप जी को दे दी गईं, 27 चंद्रमा को, रोहिणी, कृतिका, विशाखा, चित्रा, ऊर्वा, शाड़ा, ये जो 27 नक्षत्र हैं, अनुराधा आदि, ये श्री दक्ष की बेटियां हैं और चंद्रमा की पत्नियां हैं। 4 कन्याओं को अरिष्टनेमी को दे दिया, 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाश्व नाम के ऋषियों को, 60 कन्याओं का कन्यादान करके दक्ष निर्वाणे होकर के आराम कर रहे थे। नारद जी के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए दक्ष ने कोई पुत्र नहीं रचा है, चलो चल कर के देखना चाहिए। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए दक्ष के महल में, दरबार लगा हुआ था। जो नारद जी को प्रवेश करते देखा, क्रोध आ गया बहुत जोर से, दक्ष को श्राप दे डाला। अरे ओ दक्ष,
अरे ओ नारद, तुमने मेरे बच्चों को बहिर मार्गी बना दिया, मैं श्राप देता हूँ, जितनी देर गाय दुही जाती है उतनी देर से ज्यादा तुम कहीं रुकोगे, तुम्हारे सिर में भयंकर पीड़ा हो जाएगी। नारद जी तो नाचने लगे, ए हमने तुमको श्राप दिया तुम नाचते हो? बोले श्राप नहीं, वरदान दे दिया है, अगर कहीं रुकेंगे तो किसी से प्रेम हो जाएगा, किसी से मोह हो जाएगा, किसी से मन लग जाएगा, और यदि हम कहीं रुकेंगे ही नहीं, चलते ही रहेंगे तो सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, भगवान के कीर्तन का प्रचार करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री मैत्रेय ऋषि ने पूज्य श्री पराशर जी से कहा, भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अवतार है नरसिंह अवतार। महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि विष्णु के वक्त प्रहलाद को कितने प्रकार के कष्ट दिए गए, उनको जहर पिलाया गया, राक्षस लोग उन्हें तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने दौड़ते थे, उनको जलाने का प्रयास किया गया, उनको पहाड़ से धक्का दिया गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया। वारे विष्णु भगवान, प्रहलाद निरंतर विष्णु का जाप करते रहे और प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अंत में नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने उनकी रक्षा करी। मुझे विष्णु के परम प्रतापी अवतार नरसिंहावतार की कथा श्रवण कराइए। एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णुर्लोकम यद्रक्षया, सनकादिक एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, तीन बार प्रवेश का प्रयास किया, तीन बार जय और विजय ने रोक दिया, बोले अभी हमारे भगवान सहन कर रहे हैं। तीसरी बार रोका तो सहन नहीं हुआ और कहा जाओ, तीन जन्म तक तुम राक्षस बन जाओ। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल बने। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मार डाला था। हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मैं अपने भाई के मारने वाले को मार करके अपने भाई का उसके खून से तर्पण नहीं करूँगा, तब तक मेरे भाई को या आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया। कैसी तपस्या? ओम का जाप चल रहा है, हवा से उड़ उड़ करके चारों तरफ मिट्टी छा गई है, मिट्टी का टीला जम गया है शरीर के ऊपर और उस टीले के ऊपर पेड़ उग आया और पेड़ में दीमक लग गई और वो दीमक चलते चलते मिट्टी के टीले में होकर के हिरण्यकश्यपु के शरीर में आ गई है, लेकिन भगवान अपने जो उसे वरदान मांगना है वो जाप चल रहा है। सूर्य महाराज डर गए, टाइम पे दिन निकल रहा है, टाइम पे रात हो रही है, चंद्रमा डर गया है, बराबर समय पर आ रहा है, समय पर जा रहा है, समुद्र अपने आप अपनी लहरों से नवरत्नों को इसके चरणों में उछाल करके जाता था। अब तक जितने लोग तपस्या करने वाले हुए हैं ना, सबसे अटपटी तपस्या है हिरण्यकश्यपु की। ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आना पड़ा। ब्रह्मभूहि उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम दे तपसिद्धो सिकाश्यप, हे कश्यप नंदन खड़े हो जाओ,
वरदान मांगो। इसने कहा वरदान दीजिए मैं कभी मरूं नहीं। नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है, और कुछ मांग लो। बड़े सोच समझ करके बोला मैं जो मांग रहा हूँ ध्यान से सुनो, नान्तर वै दिवानक्तम अन्यस्याद पचायुदय ना भूमौ ना नम्बरे मृत्यु ना मृगई नाम पशुरपी। मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मैं धरती में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं। कोरोना के लिए ऐसा वरदान मिला हुआ है, कोरोना की भी ये स्थिति हो रही है। मैं पशु से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, और सुनिए ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जिनको मारना है वो किसी भी बहाने से कभी भी चींटी की तरह मसल करके रख देंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यपु ने ठान लिया कि मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, इसका मतलब मैं मरूंगा ही नहीं, मैंने तो ब्रह्मा जी को पागल बना दिया। खड़ग लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तीनों लोग 14 भुवन में इसी का राज्य हो गया, कोई इसे जीत नहीं सकता है। देवता सुर गंधर्व किन्नर चारण यक्ष और तो और मनुष्यों को भी परेशानी होने लगी। सबके सब देवता पशु पक्षियों का रूप धारण करके वृक्षों की खोतरों में पर्वतों की गुफाओं में रहने लगे। भूल से भी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था। दैत्येश्वर नकोपस्य वशमागन्तुमर्हसि। जप तप व्रत संयम नियम ध्यान धारणा कथा कीर्तन दान पुण्य सब बंद कर दिया गया है। नथिंग इज गॉड ऑल माइट इज मी, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, कोई भगवान भगवान नहीं है, मेरी पूजा करो। जगह जगह चौराहे चौराहे पर हिरण्यकश्यपु की मूर्ति लगाई दी गई, मंदिर बना दिए गए, मेरा नाम संकीर्तन करो, मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो और मेरे ही फोटो वाले लॉकेट गले में डालो। बहुत जल्दी इसने सारे संसार में खलबली मचा के रख दी। भूल से भी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था। हिरण्यकश्यपु के मारे डर के कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है, लेकिन भगवान की लीला बड़ी निराली है। लाद आह्लाद अनुलाद और प्रहलाद 4 बेटाओं ने जन्म लिया कयादु की कुक्षी से। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयादु और इनके सबसे छोटे बेटे जो प्रहलाद हैं, जब से बोलना सीखा तब से भगवान का नाम ही लेना सीखा। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय गोविंदाय नमः, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि के चरणारविंद चित्त में धरो रे। भगवान विष्णु का ऐसा भक्त है उसे हर वस्तु में भगवान दिखाई देते हैं। भोजन भी करे तो पूड़ी में परमात्मा, रायते में राम और दाल में दामोदर और कचौड़ी में कृष्ण, चटनी में चतुर्भुज, हरेक में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करके भगवान का प्रसाद मान करके भोग लगाता। बात बात में राधे राधे, बहुत तरह से भगवान का नाम लेता। हिरण्यकश्यपु को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा मेरे ही बैरी का नाम लेता है। हिरण्यकश्यपु ने बुलाया और कहा आओ गोदी में बैठो, तुम्हें हम एक बात समझाते हैं। हमने बहुत बड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है और वरदान प्राप्त करके हमने सारी त्रिलोकी को जीत लिया है, काय को तुम उस हरि के चक्कर में पड़ते हो, वो कुछ करने वाला नहीं है, हमारा शासन है, हम जो चाहेंगे सो होगा, बताओ तुमको हम युवराज बना दें, तुमको हम राजा बना दें, जो चाहो सो कर दें, लेकिन तुम हमारे बैरी का नाम लेना, भगवान का नाम लेना बंद कर दो। बताओ प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम कहोगे वही हम तुम्हें ला करके देंगे। तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहि नाम धिया मसद्ग्रात गृह आत्मकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हमारा मन है जब हमारे सारे काम हो जाएं तो हमें घर छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए और वन में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए।
धर्मात्मनि महाभागे विष्णु भक्ते विमत्सरे दैत्ये प्रयतम कस्मात् तस्मान् आख्यातुम् अर्हसि। हे दैतेन्द्र, भगवान के भजन में अपना समय बिताना चाहिए। तलवार निकाल ली मारने के लिए, बोले तुझे तो मैं समाप्त कर देता हूँ। इतने में कयाधु माता बीच में आ गई और कहा, बच्चा है छोटा, इसे मारो मत, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इसको भेज दिया जाए राक्षसी विद्या पढ़ाने वाले गुरु के पास, जहाँ राक्षसों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां जाकर के इसकी बुद्धि को बदल दिया जाए, इसको राक्षसी विद्या सिखाई जाए। राक्षसी विद्या पढ़ाई जा रही है। प्रहलाद जी का ध्यान तो भगवान के चरणों में लगा रहता था, वो तो भगवान की भक्ति को ही अपने ग्रहण करते रहते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रस्ताव भेजा, कल प्रहलाद को भरी सभा में आना है और आकर के अब तक जो विद्या अध्ययन करी है वो आकर के सुनाना है। पठ्यताम भवता अवश्य सारभूतम सुभाषितम काले नैतावता यत्ते सद्यो युक्ते न शिक्षितम। प्रहलाद जी ने गुरुदेव से कहा, बोले पिताजी ने बुलाया है। गुरुदेव बोले, हम भी तो चलेंगे, हमने जो तुमको पढ़ाया है वो तुम भरी सभा में बोलना, तुम्हारे पिता के द्वारा हमारा प्रमोशन कर दिया जाएगा, हमें इनाम दिया जाएगा। गुरुजी सजदज करके तैयार होकर के बड़े आनंदित होकर के आए, भरी सभा में प्रहलाद को खड़ा कर दिया गया और बोले, प्रहलाद सुयताम, जो तुमने आज तक पढ़ा है वो सब हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सुयताम ताद बक्षामी सारभूतम तवाज्ञया समाहित मना भूत्वा यन्मे चेतस्तुवस्थितम। पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित हैं वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए, जो आज मध्य और अंत से रहित हैं, अजन्मा हैं, बुद्धि क्षय शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण हैं तथा जगत की स्थिति और अंत करता हैं, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य भाव रखना और आत्मनिवेदन करना, ये 9 प्रकार की भक्ति हैं पिताजी। इनमें से एक भी कर ली जाए, नव में जिनके एकौ होई और नारे पुरुष सचराचर कोई, उसका कल्याण हो जाता है। संडामर्क, राक्षसी जो गुरु हैं उनको आवाज लगाई, असारक ग्राहितो बालो, तुमने मेरे बेटे को भक्ति सिखा दी, बहुत अच्छा किया, इधर आ जाओ। तलवार दिखा करके कहा, बोले मुक्ति में तुम्हारी किए देता हूँ। गुरुजी ने कहा, दैतेश्वर न कोपस्य वशमागन्तुम अर्हसि ममोपदेश नतम नायम बदत ते सुत। तुम्हारा बेटा जो बोल रहा है ना, वो मैंने नहीं पढ़ाया है, इसका तो कोई और ही गुरु है जो उसको ये सब बातें सिखा रहा है, मैं ये बातें कभी नहीं सिखाता हूँ। हे प्रहलाद, क्या ये तुम्हारा गुरु सही कह रहा है? तुम जो बोल रहे हो ये शिक्षा कहाँ से आई है? शास्त्र विष्णु शेषस्य जगतो यो हृदय स्थित तम हृदय परमात्मा नम तात के न शाश्वते। पिताजी, मैंने अपना गुरु श्री नारद जी को माना है। जब आप दिग्विजय करने के लिए निकले थे, माता गर्भवती थी, मैं गर्भ में था, इंद्र चुरा करके अपहरण करके ले गया था, श्री नारद जी ने उनकी रक्षा करी थी। नारद जी ने मेरी माँ को जो भक्ति सिखाई वही भक्ति मैंने अपने मन में ठान ली और नारद जी को गुरु बना लिया। तलवार उठाई मारने के लिए, प्रहलाद को खत्म करने के लिए, इतने में हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका जी आ गई। अरे अरे अरे, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो,
कान में बोली, मेरे पास चद्दर है, मैं लेके बैठ जाती हूँ और तुम आग लगा देना, ये समाप्त तो हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। होलिका जी फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई। हिरण्यकश्यपु ने चारों तरफ लकड़ी लगा दी, कसके पकड़ के बैठी है कहीं भाग नहीं जाए प्रहलाद। और प्रहलाद जी आराम से विराज रहे हैं। होई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। रात्रि में हिरण्यकश्यपु ने चिता में आग लगा दी, सोचा बहन जी बच जाएंगी क्योंकि चादर ओढ़ करके बैठी हैं, और प्रहलाद मर जाएगा हमेशा के लिए, मेरा कांटा निकल जाएगा। सवेरे जा करके देखा ऐसी हवा चली कि चद्दर उड़ गई और हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी बैठ करके भजन कर रहे थे, ये क्या हुआ, तुम नहीं मरे? बोले मरते वो हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और जो भगवान का भजन करते हैं वो तो अमर हो जाते हैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। फिर दोबारा से भिजवा दिया गया गुरु जी के यहाँ। जो राक्षसों के गुरु हैं वो बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, पर प्रहलाद जी के ऊपर उनका प्रभाव नहीं चल पाता है, भजन का तेज है श्री प्रहलाद में। एक बार गुरुजी महाराज गए किसी कार्य से अपनी रिश्तेदारी में, सारी पाठशाला श्री प्रहलाद जी ने संभाल ली और सारे दैत्य बालकों को अपने पास में बुलाया, भाई लोगों आप लोग जो विद्या अध्ययन कर रहे हो इसका क्या लक्ष्य है? पढ़ लिख करके बैरिस्टर, डॉक्टर, डायरेक्टर, MBA करेंगे, कोई फैक्ट्री संभाल लेंगे और खूब कमाएंगे। भैया कमाई का क्या करोगे? बोले खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। क्यों जी, देश की रक्षा कौन करेगा? बोले हमको नहीं पढ़ाया गया। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हमको नहीं बताया गया। सुनो, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह। कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर के ये मानव जीवन प्राप्त होता है, और माता पिता सबसे बड़े देवता हैं जिनकी कृपा से ये शरीर जन्म लेता है। माता पिता प्रसन्न कर लिए जाएं तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सवरे बच्चा घर जा कर के माता पिता को प्रणाम करने लगे, ये क्या हुआ? बोले हमारे शिक्षक बदल गए हैं, अब हमें पढ़ाने वाले सदाचारी आ गए हैं। सभी दैत्य बालकों को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सिखाते थे प्रहलाद जी। एक दिन कहा, बोले देखो पढ़ो रे भैया, गोविंद कृष्ण मुरारे, पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारे, चरण कमल मन सन्मुख राखो, चरण कमल कबहु ना आवे हारे, पढ़ो रे भैया कबहु ना आवे हारे, पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारे, पढ़ो रे भैया कहते प्रहलाद सुनो सब बालक, कहते प्रहलाद सुनो सब बालक, लेओ जन्म सुधारे, पढ़ो रे भैया लेओ जन्म सुधारे, पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारे, पढ़ो रे भैया कुश अभिमानी को है, जो सके है तुम्हें मारे, पढ़ो रे भैया जो सके है तुम्हें मारे, पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारे, पढ़ो रे भैया। राखन हारे बड़ो याज
जग में राखने श्याम धरे भुजा चारे पढ़ो रे भैया श्याम धरे पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारे पढ़ो रे जन डरे पाओ जड़ मत काहू को जन डरे पाओ जड़ भगति करो एक बारे पढ़ो रे भैया भगति करो एक बारे पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारे पढ़ो रे भैया सत्य स्वरूप देव नारायण सत्य स्वरूप देव नारायण देखो हृदय विचारे पढ़ो रे भैया देखो हृदय विचारे पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारे पढ़ो रे सूरदास प्रभु घट घट व्यापक सूरदास प्रभु घट घट व्यापक जो धरणी में बारे पढ़ो रे भैया जो धरणी में बारे पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारे पढ़ो रे भैया गोविंद बोलो विष्णु भगवान की जय। सारे बालक कीर्तन करना सीख गए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने गुरु जी के पीछे से सबसे फीस ले ली और फीस से तबला बाजा ढोलक मजीरा खड़ताल और चिमटा ढप ढोल मृदंग बहुत सारा सामान मंगा लिया। सब बच्चों को संगीत में कीर्तन करना सिखा दिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से ले जा करके पटक दिया। विष्णु 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 निरंतर जाप करते हुए प्रहलाद की रक्षा पृथ्वी ने करी। हिरण्यकश्यपु ने उनको जलाने के लिए कुम्हार के अभे में बिठा दिया। वहाँ बिल्ली के बच्चों की रक्षा करके आ गए और तो और हाथ पैर बांध के पटक दिया गया और कहा हाथियों से महावतों से हाथी आगे बढ़ाओ और इसको कुचल करके समाप्त कर दो। हाथियों ने देखा प्रहलाद के हृदय में भगवान विराजमान हैं, हमें क्षमा नहीं करेंगे। सारे हाथी अपने अपने लौट गए। सपेरों को बुलाया गया, सांपों को निकालो बड़े बड़े को और इसको जला करके ख़त्म कर दो। खूब बीन बजा बजा के हार गए। सांप निकलते तो थे लेकिन उनको देखता प्रहलाद के हृदय में गरुड़ पर गोविंद विराजमान हैं। गरुड़ जी हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सारे सांप लौट करके पिटारी में चले गए। एक सांप लेकर के गीले कपड़े की तरह सोने के कटोरा में निचोड़ दिया। प्रहलाद ये जहर है, या तो मेरे बैरी का नाम लेना बंद कर दो और नहीं तो तुम्हें ये जहर पीना पड़ेगा। मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया छोड़नी पड़ जाए। अंजलि में जहर का प्याला उठा लिया। विष तुम्हारा जन्म समुद्र से हुआ है और क्षीर सागर में मेरे भगवान सहन करते हैं। कभी ना कभी तुम्हारा स्पर्श मेरे ठाकुर जी के चरणों से अवश्य हुआ होगा। मैं आपको चरणामृत मान करके पान कर रहा हूँ। श्री कृष्णाय नमः विष्णवे नमः। विष्णु भगवान को प्रणाम करके जहर पी लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद चक्कर आ रहे हैं। नहीं पिताजी, चक्कर में तो वो पड़े हैं जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे तो जन्म जन्मांतर के चक्कर समाप्त हो गए हैं। अनेक उपाय किए हिरण्यकश्यपु ने, फिर से उसको भिजवा दिया दैत्य विद्या जहाँ पढ़ाई जाती है उस विद्यालय में। श्री प्रहलाद जी ने
दैत्य बालकों को सद्बुद्धि प्रदान करके बहुत बड़ी वैष्णव समूह तैयार कर दिया। बहुत जोर का कीर्तन होता था, दैत्यों के बालक नाचते थे, कोई तबला बजा रहा है, कोई कंजीरा बजा रहा है, बहुत जोर का आनंद आता था। हिरण्यकश्यपु ने अपने मंत्री को भेज करके प्रहलाद को बुलवा लिया। कोयम विष्णु सद्बुद्धे यम प्रवीशी पुनः पुनः जगतामीश्वरस्य पुरत प्रसभम मनो। अरे मूर्ख प्रहलाद, जिस विष्णु का तो मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वो कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी न शब्द गोचरम यस्य योगिध्येयम परम पदम यतो यस्य स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर। योगियों के ध्यान करने योग्य जिनका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वही परमेश्वर विष्णु है। अरे मूढ़, परमेश्वर संज्ञोयम् किमन्यो मय्यवस्तते तथा भी कर्तुम अकस्तम प्रभविषी पुनः पुनः। हे मूर्ख, मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है, फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बकुर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम तात मम प्रजानाम स ब्रह्म भूतो भवतस्य विष्णु धाता विधाता परमेश्वरस्य प्रसीद कोपम कुरुषे किमर्थम। हे पिताश्री, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? रविष्टव कोश्य हृदय दुर्बुद्धे रति पापकृत येने दृशान्य साधुनी वदत्या विष्ट मानस। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है जिससे आविष्ट चित्त होकर ये ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी ने कहा, सुनिए पिताजी, न केवलम मद हृदय स विष्णु राक्रम लोकान खिलान अवस्थित समाम तुदाधीश पित समस्ता समस्त चेष्टा शुय नक्त सर्वतः। वो तो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर नहीं है? कहाँ है तेरा हिमायती? बोले सर्वत्र है। क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा हिमायती सब जगह है तो इस खंभे में क्यों दिखाई नहीं देता? पिताजी हमें तो दिखाई दे रहा है, आपको नहीं देता तो हम क्या करते हैं? बहुत जोर से लेकर के खड़ग खंभा में मारा, अड़ जोर से आवाज हुई, खंभा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। बहुत जोर का क्रोध आ रहा है, बड़े बड़े नाखून हैं, चरणों से लेकर के गर्दन तक मनुष्य जैसी आकृति है और मुखारविंद भगवान का बब्बर शेर का है। और जब भगवान अपने गर्दन को हिलाते हैं तो ये जो सिर के बाल हैं ऐसा लगता है कई सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। आँखें बहुत जोर से जल रही हैं, जीव लपलपा रही है और खेल ही खेल में जैसे कोई बच्चा खिलौना उठा लेता है, ऐसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को एक हाथ से उठा करके अपनी दोनों जंघाओं पर रख लिया। हिरण्यकश्यपु ध्यान करो, ना दिन है ना रात, शाम का समय है, ना ऊपर हो ना नीचे, मेरी गोदी में हो, ना बाहर हो ना भीतर, मैंने तुमको पकड़ रखा है। देखो जरा मेरे नाखूनों को देखो, ना ये अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। सुनो, तुमने ब्रह्मा से कहा था तुम्हारे बनाए हुए 12 महीने में जन्म नहीं मरूं, मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया है, अब जरा मेरा भी तो दर्शन कर लो, ना मैं पशु हूँ और ना मैं मनुष्य हूँ, मैं नरसिंह हूँ, मनुष्य भी और पशु भी दोनों ही हूँ। तुमने कहा था ब्रह्मा तुम्हारा बनाया हुआ ना हो, ध्यान करो मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूँ, अपितु मैं ब्रह्मा का रचयिता हूँ, मैं ब्रह्मा को बनाने वाला हूँ। इतना कह करके बीच में से फाड़ डाला। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु की आंतों को निकाल करके देख रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं,
क्या देख रहे हैं? हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट के यहां, प्रहलाद जैसा सुपात्र कैसे जन्म ले लिया? बहुत जोर का क्रोध आ रहा है नरसिंह भगवान को, ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर यक्ष पितृश्वर गंधर्व किन्नर चारण ऋषि लोग सब प्रार्थना करते करते हार गए। श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रयास करने के लिए आई। नरसिंह भगवान ने सोचा जी लक्ष्मी जी के कहने पे मन गए तो गरीब आदमी तो हमारा भजन करना छोड़ देंगे। बोले अगला तो लक्ष्मी से राजी होता है। लक्ष्मी जी आरती लेकर के आई, जोर से दहाड़ मारी, थाली फेंक करके लक्ष्मी जी भाग गई। किसी को कोई सफलता नहीं मिल रही है। श्री शंकर भगवान ने प्रहलाद को आगे कर दिया। जो प्रहलाद को आगे किया, हिरण्यकश्यपु के शरीर को तो फेंक दिया और प्रहलाद को गोदी में लेकर के नरसिंह भगवान दुलार करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वत्सलता, वत्स माने गाय का बछड़ा, और वत्सलता जो गाय का दुलार है, गाय चाट चाट करके अपने बच्चे को पुष्ट कर देती है, ऐसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद के माथे को चाट रहे हैं। हे प्रहलाद, अब मैं तेरी रक्षा करने वाला हूँ, मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद जी ने दिव्य नरसिंह स्तोत्र का पाठ किया। भक्त भगवान की गोदी में है, यहीं आज कथा को विराम कर रहे हैं। कल आने वाली कथाओं में भूगोल, खगोल, दीप, नदी, पर्वत, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, तदुपरांत प्रियव्रत राजा की कथा, आघ्रींद्र राजा की कथा, श्री ऋषभदेव भगवान का चरित्र, जड़भरत चरित्र, इसके साथ साथ विष्णु भगवान की बहुत सारी कथाओं को हम और आप श्रवण करेंगे। अब विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्रिपुर निवासी मैया जी के दीवानों के द्वारा पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर श्री विष्णु पुराण की कथा YouTube चैनल के माध्यम से लालन करेंगे पालन, इसका ये लिंक है, लालन करेंगे पालन। आप जो लोग इसका आनंद ले रहे हैं वो अपने प्रिय लोगों के लिए फॉरवर्ड कर दें। लालन करेंगे पालन पर सायं 3 बजे से 6 बजे तक श्री विष्णु पुराण की कथा का आप लोग आनंद लें। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे।